हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति बंसल फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। टुडे वी विल स्टार्ट अवर 16 चैप्टर टू कैंडीज फॉर अ स्माइल। टू कैंडीज फॉर अ स्माइल, उसकी मुस्कुराहट के लिए दो कैंडीज। लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। पीयूष वॉज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम। पीयूष बहुत छोटा था, से फाइव, वो ओनली 5 ईयर्स का था। ही हैड अ रुपी कॉइन इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक सिक्का था। He wanted to buy some candies, वो कुछ टॉफियां खरीदना चाहता था। He went to a shop the next lane, वो दूसरी लाइन में शॉप पर गया। But the shopkeeper was not there in his shop, लेकिन दुकानदार उस शॉप पर नहीं था। He had perhaps gone to ease himself, लेकिन वो अपने इस कार्य को पूरा करना चाहता था। Pure saw the jar of candies and his mouth began to water, पीयूष ने क्या देखा, कैंडीज का जार और उसके मुंह में पानी आ गया। अब बच्चे होते हैं, बच्चे तो कैंडीज को देख के मुंह में पानी आ ही जाता है, तो पीयूष भी ओनली 5 ईयर्स का था तो उसके मुंह में कैंडीज के जार को देखकर पानी आ गया। ही कुड वेट नो लॉन्गर, अब वो ज्यादा टाइम तक वेट नहीं कर सकता था। ही प्लेस्ड द रुपी कॉइन ऑन द काउंटर, उसने काउंटर पे उस रुपये को रखा। एंड थ्रस्ट हिज हैंड इन टू द जार, और अपना हाथ उस जार में डाला। द जार हैड वट अ नैरो नेक, जार जैसा था, उसकी नेक कैसी थी, काफी तंग, मीन्स जो ऊपर से वो जार था वो काफी कम स्पेस था कि उसमें हाथ डाला जाए। पीयूष हेल्ड एज मैनी कैंडीज एज हिज हैंड, पीयूष ने काफी सारी कैंडीज अपने हाथ में भर ली। कुड ग्रेस्प, और बाहर निकालने लगा। बट वेन ही ट्राई टू पुल हिज हैंड आउट, लेकिन जैसे ही वो ट्राई कर रहा था अपने हैंड को बाहर निकालने के लिए, ही कुड नॉट टू डू सो, वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। द क्लोज्ड हैंड फुल ऑफ कैंडीज गॉट स्ट्रक अप बिलो द माउथ ऑफ द जार, उसके हैंड में बहुत सारी कैंडीज थी, उसने हाथ को बंद कर लिया था, कैंडीज थी, तो क्या हुआ, जैसे ही वो उसे बाहर निकालने रखा, उसकी नैरो नेक थी जार की, तो उसका हैंड उसमें स्ट्रक हो गया, अटक गया और वो बाहर नहीं आ पा रहा था। पीयूष वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू लॉस द कैंडीज एट ऑल, दो ही वॉज नॉट एबल टू विदड्रॉ हिज हैंड अलॉन्ग विद देम। पीयूष अब उन कैंडीज को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। Although he was not able to withdraw his hand along with them, और वो उन कैंडीज के साथ अपने हाथ को बाहर भी नहीं निकाल सकता। अब देखिए उसके पास कैसी सिचुएशन आ गई, ना तो वो बच्चा चाह रहा था कि मैं कैंडीज छोड़ दूं, अपने हैंड को बाहर कर लूं। अगर वो कैंडीज नहीं छोड़ता तो उसका हैंड बाहर नहीं आता। अब देखिए आगे क्या होता है। ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब उदास हो गया। एंड बिगिन टू वीप, और उसने रोना शुरू कर दिया। इन द मीनवाइल होता उसी दौरान, द शॉपकीपर रिटर्न, दुकानदार वापिस आ गया। ही सा पीयूष फ्रॉम अ डिस्टेंस, उसने दूरी पर पीयूष को देखा। ही इमिडिएटली अंडरस्टूड वेयर द ट्रेवल ले, अब वो दूर से उसे देखा तो वो समझ गया कोई ना कोई परेशानी है। ही केम नियर पीयूष एंड सेड, वो पीयूष के पास आया और कहा, डोंट बी सो ग्रीडी, इतना लालच मत करो माई सन, बी कंटेंट विद हाफ द कैंडीज एट वन टाइम, हम एक बार में केवल इसमें से आधी कैंडीज ही निकाल सकते हैं बाहर। यू विल बी एबल टू गेट योर हैंड आउट, तभी आपका हाथ बाहर आ सकेगा। इफ यू वॉन्ट मोर, अगर आपको और कैंडीज चाहिए, यू कैन हैव देम विद अ सेकंड ट्राई, तो आपको दूसरी बार अपना हाथ इसमें डालना होगा। पीयूष लुक्ड बैक, पीयूष ने पीछे मुड़कर देखा। एंड सा द शॉपकीपर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे कौन खड़ा था, शॉपकीपर। ही गेव अ स्वीट स्माइल, उसने एक मुस्कुराहट दी मीठी सी। एंड एक्टेड अपॉन द एडवाइस ऑफ द शॉपकीपर, और जैसा शॉपकीपर ने बताया था पीयूष ने वैसा ही किया। ही वॉज हैप्पी टू गेट हिज हैंड, अब वो बहुत खुश था कि उसका हाथ बाहर आ गया था, आउट ऑफ द जार, ऑफ कोर्स विद हाफ द कैंडीज, क्योंकि अब उसमें हाफ कैंडीज थी। पीयूष गेव द 1 रुपी कॉइन टू द शॉपकीपर एंड वॉन्टेड टू गो, पीयूष ने अपना कॉइन शॉपकीपर को दिया और वहां से जाना चाहता था। बट द शॉपकीपर वुड नॉट लेट हिम गो, लेकिन शॉपकीपर अभी उसे नहीं जाने दे रहा था। क्यों? ही गिव अनदर स्वीट स्माइल, वो उसे एक और मुस्कुराहट देना चाहता था। द शॉपकीपर गेव हिम 2 more candies इन रिटर्न, अब शॉपकीपर ने क्या किया, उसे 2 candy और दे दी, इससे वो और खुश हो गया बच्चा। ठीक है, यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ये आपके वर्ड मीनिंग है, मैं मार्क कर दूंगी, आप उन्हीं को नोट डाउन करना और उन्हीं को लर्न करना है। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज है जो मैं आपको आंसर की इसकी सेंड करूंगी। ओके, थैंक यू।